काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जोन फर्स्ट के सेंटर बता दो कि हमारी जोन फर्स्ट की भर्ती कहाँ कहाँ पर होगी, कौन से सेंटर पे होगी। भाई मैंने 2 जून 3 जून के बना चुका हूँ, पहले ने पिछली आप वीडियो जाके देख सकते हो, और 1 जून के अभी इसके लिए बना रहा हूँ कि काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे इसलिए बनानी मुझे पड़ रही है। तो भाई ये 1 जून वाले सुन लें कि आपके किन किन सेंटरों पर आपकी भर्ती होगी। आपके जो टेरिटोरियल आर्मी के जो सेंटर हैं वो हैं 25, 25 सेंटर हैं जो सबसे ज़्यादा है वो 1 जून के अंदर ही आते हैं। और 25 सेंटरों पे से कुछ सेंटर ऐसे हैं जिन पे भर्ती नहीं हो रही है काफ़ी साल से, तो सिर्फ 15 ही सेंटर बाकी जिन पे भर्ती हो रही है। 15 सेंटरों के मैं आपको नाम बताऊंगा कि इन इन सेंटरों पे आपकी भर्ती होगी, बाकी और कोई सेंटर पे आपकी भर्ती नहीं होगी। सेंटर तो 25 हैं, ये मत कहना कि वो नहीं है, ये वाला सेंटर यहाँ पर नहीं आया, पर उन सेंटरों पर भाई भर्ती नहीं होती। जिन सेंटरों पर भर्ती होगी मैंने उन्हीं सेंटरों के सिर्फ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? चाहे आप नोट कर लो, चाहे वीडियो को आप स्किप करके दोबारा देख लेना, तो आपको पता चल जाएगी कि हमारी इस सेंटर में भर्ती होने वाली है। 102 इन्फेंट्री बटालियन, ये चंडीगढ़ पर रहेगा भाई, लुधियाना में 102 इन्फेंट्री बटालियन। और दूसरा सेंटर है आपका 103 इन्फेंट्री बटालियन, ये लुधियाना में है। और 124 इन्फेंट्री बटालियन, ये दिल्ली कैंट। और 156 इन्फेंट्री बटालियन, ये आपका पंजाब में पड़ेगा। 157 इन्फेंट्री बटालियन, ये अमरगढ़ पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर में है। और 158 इन्फेंट्री बटालियन, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। और 160 इन्फेंट्री बटालियन पंजगाम में। और 161 इन्फेंट्री बटालियन है, ये भी आपका पंजगाम में है। और 162 इन्फेंट्री बटालियन, ये आपका श्रीनगर में। और 163 इन्फेंट्री बटालियन है, ये बादीपुर में। और 173 इन्फेंट्री बटालियन है, ये भी पंजगाम में है। और 174 इन्फेंट्री बटालियन, ये अखनूरपुर में है। और 175 इन्फेंट्री बटालियन, ये भी अखनूरपुर में है। और 105 इन्फेंट्री बटालियन, ये आपका दिल्ली कैंट है भाई, जो दिल्ली में सेंटर है। 105 इन्फेंट्री बटालियन। और 150 इन्फेंट्री बटालियन है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये आपके 15 सेंटर हैं, 15 सेंटरों पे, इन्हीं पे जो भर्ती जो 1 जून की जो भर्ती आएगी वो इन्हीं सेंटरों पर आएगी, इसके अलावा कहीं से किसी सेंटर पे भर्ती नहीं जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी भर्ती आने वाली है 1 जून की वो कहाँ पर आएगी, ठीक है? तो इस बात के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना कि हमारी जो भर्ती है इसी सेंटर पे आएगी, इस सेंटर के अलावा हमारी कहीं भर्ती नहीं जाएगी। आप इस सेंटर के अलावा किसी पर भी भर्ती देखने मत जाना, ठीक है? और किसी भाई को कुछ पूछना है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है? रही बात कि टीए भर्ती आएगी कब, काफ़ी भाई यही बात आ रही है कि टीए भर्ती आएगी कब। भाई टीए भर्ती जो आपसे ये कह रहा ना है कि अप्रैल में आ जाएगी या मई में आ जाएगी, वो आपको सरासर गुमराह कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पक्का कंफर्म नहीं है कि टीए भर्ती अप्रैल में मई में आ जाएगी, ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि टीए भर्ती पक्का कंफर्म है कि अप्रैल में आ जाएगी। सिर्फ चांस लग रहे हैं 90% की शायद 15 अप्रैल तक नोटिफिकेशन कोई टीए का आ जाए, ठीक है? अभी और ऐसी कोई खास अपडेट नहीं है कि पक्का कंफर्म नहीं है कि टीए की भर्ती आनी ही आनी है। अभी 15 से मैंने बताया 90% चांस है सिर्फ अप्रैल में आने के, ठीक है? जो आपसे सीधा बोल रहा है कि भाई मई में भर्ती आ जाएगी 100%, वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? उसकी बातों पर आप गौर मत करना, ठीक है? और जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए बता दूंगा। और रही हाँ भाई एक एक खास बात और, कुछ भाई ये बोल रहे हैं कि टीए की भर्ती नहीं आएगी। भाई टीए की भर्ती आपको किसी ने बोल दिया कि टीए की भर्ती नहीं आएगी? आपके पास में कोई प्रूफ है तो वो मुझे भेज सकता भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है कि मेरे पास में ये प्रूफ आया है या कोई नोटिफिकेशन आया है कि टीए की भर्ती नहीं आएगी, या कोई न्यूज़पेपर है वो भी मुझे भेज सकता है कि न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि भाई टीए की भर्ती नहीं आएगी, या कोई ऑफिशियल वेबसाइट है टेरिटोरियल आर्मी की उस पर बोल दिया हो कि टीए की भर्ती नहीं आएगी। भाई सबके लिए है ये बात, जो ये भाई ये बोल रहे हैं ना कि टीए की भर्ती नहीं आएगी, है मैं आपको सब प्रूफ के साथ बता दूंगा कि टीए की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है कि नहीं होगी भर्ती, ठीक है ना? अभी तक ऊपर से कोई नोटिफिकेशन ये भी नहीं आया कि टीए की भर्ती आएगी, और न ही ऊपर की भर्ती ये आया है कि टीए की भर्ती नहीं आएगी, ठीक है ना?
तो भाई 100% चांस है कि भर्ती आएगी, ठीक है। इस बात के लिए आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि टीए की भर्ती 100% आनी है तो आनी है भाई। टीए की भर्ती नहीं आती तो एक्स सर्विसमैन की भर्ती नहीं होती, ठीक है। आज से 6 महीने पहले भर्ती हो चुकी है एक्स सर्विसमैन की टीए की, और जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा टीए भर्ती का तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और एक बात और भाई, एक टीए भर्ती देखने के लिए आपके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा, और वो कम से कम 1.5 या 1.5 महीने या 2 महीने में लगते हैं उसे बनवाने में। तो उसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं बता दूंगा इसके लिए, ठीक है। आप बनवा लेना, कहाँ से बनेगा मैं सब कुछ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए भाई जय हिंद।